हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक देख लिए हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, देन इसका वैल्यू क्या होगा इसमें से ये बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे है ए माइनस आइडेंटिटी का होल क्यूब प्लस ए प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब माइनस का 7a इक्वल किसके होगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं तो हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू में आइडेंटिटी प्लस 3a इंटू में आइडेंटिटी का स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी का क्यूब। और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में आइडेंटिटी प्लस 3a इंटू में आइडेंटिटी का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस का आइडेंटिटी का क्यूब, ठीक है, और माइनस का 7a, ये ना हो जाएगा। देखिए ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आगे देखिए, a क्यूब है तो इसे हम लोग पहले इसी को ऐड कर लो ना, 2a का क्यूब लिख देते हैं प्लस 3, ए में आइडेंटिटी के स्क्वायर से इंटू होगा तो ए ही आएगा, यानी कि 3a और ये 3a, 6a लिख दें क्या डायरेक्ट, चलिए लिख देते हैं 6a और माइनस का 7a, 2a स्क्वायर इंटू में a नहीं लिख सकते हैं क्यूब को, और यहाँ माइनस का a कर दे क्या, चलिए मैं यहाँ माइनस का a कर देता हूँ। अच्छा, a स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 आइडेंटिटी और इंटू में a माइनस a, यहाँ पे ये हो जाएगा 2a माइनस a, यानी कि a आ जाएगा, ठीक है, यानी a नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, क्या कह रहा है।